नया IBN 7 हौसला है। पीड़ित महिला ने आरोप लगाया है कि उन्हें कुमार विश्वास के सहयोगी धमका रहे हैं। महिला का कहना है कि कुमार विश्वास इस मामले में लोगों के सामने सच नहीं बता रहे। हमारे सहयोगी ब्रजेश तिवारी ने आरोप लगाने वाली महिला से बात की। आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास पर गंभीर आरोप लगे हैं, सवालों के घेरे में हैं। उनकी पार्टी के एक कार्यकर्ता ने ये जो पूरा आरोप लगाया, आखिरकार पूरा मामला क्या है, पहले इनसे हम बात करते हैं। क्या हुआ था अमेठी में जब आप लोग गए थे, चुनाव प्रचार हुआ था, क्या कैसे पूरा विवाद शुरू हुआ? जी, कुमार विश्वास के लिए मैं अमेठी में चुनाव प्रचार करने गई थी। वहाँ मैंने 5 दिन चुनाव प्रचार करा। इलेक्शन बोल रहे थे, वोटिंग होनी थी, उससे 2 दिन पहले हमें कुमार विश्वास ने अमेठी छोड़ने को कह दिया गया था। हमने अमेठी छोड़ दी थी। हम सुल्तानपुर में रहे थे वहाँ 2 दिन, मतलब एक रात हमने सुल्तानपुर में संजय सिंह के घर के बराबर वाले घर में नाइट स्टे किया था। उसके बाद मैं अपने घर आ गई, मतलब बनारस चली गई चुनाव प्रचार के लिए। उसके बाद 2014 का ये सारा रिजल्ट 2015 में मेरे सामने आता है FB के थ्रू कि ये वह वॉलंटियर कार्यकर्ता है जो कुमार विश्वास के साथ सोती हुई आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ी गई, और उन्हीं की वाइफ ने, मतलब उन्हीं की पत्नी ने मुझे सोते हुए पकड़ा रंगे हाथों, जबकि ये कोई एलिगेशन सही नहीं थे। तो मैंने कुमार विश्वास से डिमांड करी कि कुमार विश्वास, ये एलिगेशन झूठे हैं, आप मीडिया के सामने आओ और देश की जनता को बताओ कि आपके मेरे बीच में ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन कुमार विश्वास ने इस चीज़ का कोई भी खंडन करना ज़रूरी नहीं समझा। उन्होंने ये छोटी सी बात कहकर पल्ला झाड़ दिया कि राजनीति में आए हो तो ऐसी कीचड़ झेलनी पड़ेगी आपको। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी आपने एक चिट्ठी लिखी थी, क्या वो चिट्ठी थी, क्या उसके बाद कुछ एक्शन हुआ इसका? जी, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी मैंने एक चिट्ठी लिखी थी, उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं हुआ। ये एक्शन हुआ है सिर्फ महिला आयोग में कंप्लेंट देने से, जो उनके पास नोटिस पहुंचा है महिला आयोग से, उसके बाद एक्शन हुआ। कुमार विश्वास से भी आप लगातार टच में थी, मुलाकात, क्या इन बिटवीन कभी उनसे आपने मिलने की कोशिश की, अरविंद केजरीवाल से मिलने की कोशिश की, क्या कभी ये मिले आपसे? जी, कुमार विश्वास से मैंने मिलने की कोशिश करी थी, कुमार विश्वास मुझे नहीं मिले। मैं उनके घर गई, उनके PA प्रबुद्ध ने कहा कि वो आउट ऑफ स्टेशन गए हुए हैं, और उसके बाद मैंने 2 बार उन्हें एक बार स्पीड पोस्ट किया, एक बार कोरियर करी चिट्ठी, पर उनका कोई जवाब नहीं आया। मैंने अरविंद केजरीवाल के घर पर गई, वहाँ पर उनसे मिलने की कोशिश करी। मैंने 3 घंटे उनका इंतज़ार करा, पर मुझे किसी ने वहाँ मिलने नहीं दिया सिक्योरिटी ने। उसके बाद मैंने उन्हें फाइल भी दिखाई अपनी कि मुझे इस केस के रिलेटेड मिलना, उन्होंने मुझे मिलने नहीं। चिट्ठी भी लिखी थी आपने केजरीवाल को, कोई जवाब आया उसका? नहीं, कोई जवाब नहीं आया। अब आखिरकार जो लड़ाई है आपकी, इसमें कहीं ना कहीं आपके चरित्र पे एक सवाल उठा है, परिवार में क्या कुछ चल रहा है, आपके पति आपसे क्या कह रहे हैं, घर वाले कितना सपोर्ट कर रहे हैं? जी, मेरा परिवार सारा उथल पुथल हो चुका है। मेरे हस्बैंड ने मुझे छोड़ दिया। पिछले 1 महीने से मैं अपनी सहेली के घर में रह रही हूँ। मेरे 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं, जिनकी वजह से मेरे इसका मतलब जो भी आरोप मेरे ऊपर लगे हैं, इसकी वजह से मेरे बच्चों की भी जिंदगी खराब हो रही है। नौकरी भी आपकी, अभी नौकरी कहीं कर रही है? मैं जहाँ जॉब कर रही थी वहाँ से मुझे रिजाइन ले लिया गया। अब मैं जॉब सर्च कर रही हूँ, पर मुझे अभी तक जॉब नहीं। क्या कहा गया वहाँ आपसे रिजिग्नेशन लेके? वहाँ उन्होंने सीधा सा मैटर ये बोल दिया, पहले तो मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे उनका कहना ये था कि जो भी मेरे ऊपर एलिगेशन लगे इसकी वजह से वो मुझसे रिजाइन ले रहे हैं, लेकिन उन्होंने मुझसे घुमा फिरा कर ये बोल दिया कि 5 दिन से मैं कंपनी नहीं आ रही हूँ और मैंने कोई लीव नहीं ली है, इस वजह से उन्होंने मुझे ये रीज़न देकर रिजाइन करवा दिया। यानी कहीं ना कहीं दबाव आपके ऊपर है इस वक्त जो है। पुलिस में भी आपने कंप्लेन की थी, क्या वहाँ से कोई राहत मिली? जी, मैंने पुलिस में कंप्लेन की थी, SHO को करी थी, डिप्टी ऑफ कमिश्नर को करी थी, साइबर सेल में करी थी, मुझे कहीं से कोई भी रिस्पांस नहीं मिला। तब मैंने महिला आयोग का गेट खटखटाया। आगे ये लड़ाई कहाँ तक जारी रहेगी? क्या कुमार विश्वास की पत्नी से आपसे कोई बात हुई इस पूरे मामले को लेकर? कुमार विश्वास की पत्नी से मेरी कोई बात नहीं हुई इस मामले को लेकर, और कुमार विश्वास से भी 1 बार के अलावा कोई बात नहीं हुई है। मैं कई बार मिलने भी गई मगर नहीं मिल पाई, क्योंकि मिलने नहीं दिया मुझे वहाँ पर। कुमार विश्वास की पत्नी से आपने मिलने की कोशिश नहीं की? जी नहीं, मैं जब भी वहाँ गई मुझे वहाँ मिली ही नहीं, वो नीचे से नीचे मुझे रिटर्न कर देते थे। लड़ाई कहाँ तक जारी रखेंगे आप? अब आगे कहाँ तक? जब तक जारी रहेगी जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा। मेरा घर मुझे दोबारा टूटा हुआ जुड़ता हुआ नजर नहीं आएगा। एक वो पार्टी है इज्जत पे जो दाग लग गया है, वो दाग नहीं हटेगा जब तक मैं लड़ती रहूंगी। आम आदमी पार्टी महिलाओं की सुरक्षा की बात करती है, लेकिन आप ही के साथ ऐसा हो रहा है, ऐसे में सरकार के ऊपर क्या आपको लगता है कि क्या बाकी के साथ भी ऐसा ही है या सिर्फ आपको ही टारगेट किया है? जी, आम आदमी पार्टी महिलाओं की सुरक्षा की बातें बहुत बड़ी बड़ी करती है, लेकिन महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे सकती। वो कहती है कि इतने रेप केसेस होते हैं दिल्ली में, CCTV कैमरे लगवाएंगे हर बस में। वो अपने खुद के कार्यकर्ता को तो सेफ कर लें, दिल्ली की बसों में कैमरे तो जब लगवाएंगे, और दिल्ली की महिलाओं को तो जब वो देश की महिलाओं को तो जब सुरक्षा देंगे ना, पहले वो मुझे तो सुरक्षा दें। अरविंद केजरीवाल ने एक बार ये जानना ज़रूरी नहीं समझा कि मैं कौन कार्यकर्ता हूँ, क्या है,
क्या मैटर है क्या नहीं है, मगर चिट्ठी भी पहुंची, कंप्लेंट भी पहुंची, मगर कभी भी उन्होंने मुझसे कांटेक्ट करने की भी कोशिश नहीं करी कि मैं इस लड़की से बात करने की कोशिश करूं, इसके क्या आरोप हैं, क्या है क्या नहीं, कभी उन्होंने ज़रूरी नहीं समझा। मैं उनसे सिर्फ एक चीज़ पूछना चाहूँगी कि अरविंद केजरीवाल आपने मेरी चिट्ठी का कोई जवाब नहीं दिया, कुमार विश्वास आपने मेरी चिट्ठी का कोई जवाब नहीं दिया, अगर आपकी खुद की घर की महिला के अंदर, मतलब घर में ही किसी महिला के साथ, आपकी माँ बहन बेटी किसी के साथ भी ऐसा होता, क्या आप ऐसे हाथ पे हाथ धर कर बैठे रहते? अगर ऐसी हाथ पे हाथ धर कर बैठे रहते तो ठीक है, मैं भी हाथ पर हाथ धर कर बैठ जाती हूँ। क्या चाहती हैं आप, क्या क्या कार्रवाई होनी चाहिए, क्या कुमार विश्वास सामने आए, क्या चाहती हैं? बिल्कुल, कुमार विश्वास को सामने आना चाहिए और देश की जनता को बताना चाहिए कि मेरा उनके बीच में ऐसा कोई रिलेशन नहीं है, और उनकी वाइफ को भी आना चाहिए, क्योंकि नाम तो उनकी वाइफ का भी आ रहा है ना, उनकी वाइफ को भी सामने आना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि मेरा उनके बीच में कोई ऐसा रिलेशन नहीं है। जब देश की जनता जानेगी तो सीधी सी बात है मेरे हस्बैंड भी जानेंगे। पार्टी अभी भी आप कंटिन्यू कर रही हैं? नहीं, मैं पार्टी ऐसी पार्टी में मैं रहना पसंद ही नहीं करूंगी जिस पार्टी में महिलाओं की इज्जत ना हो, खुद की उनकी कार्यकर्ता की इज्जत नहीं है तो और महिलाओं की क्या इज्जत करेंगे। बिल्कुल, ये वो पीड़ित महिला है जिन पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं, बहरहाल शिकायत की गई है, महिला आयोग ने नोटिस भेजा है, देखना ये होगा कि क्या केजरीवाल सरकार का कोई नुमाइंदा या फिर कुमार विश्वास सामने आते हैं, अपना पक्ष रखते हैं या फिर नहीं। कैमरा पर्सन नकुल के साथ विशेष तिवारी, नोएडा, IBN 7।